हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ टू बर्ड्स. ओके, टुडे वी विल डू ए पिक्चर ऑफ ए क्यूट आइसक्रीम. सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट. सब्जेक्ट इज ड्रॉइंग. ओके, हेडिंग आज डालेंगे हम ए क्यूट आइसक्रीम. एक कॉलम क्यूट सी आइसक्रीम बनाएंगे. क्यूट सी आइसक्रीम. आइसक्रीम बेटा सभी को पसंद होती है, बच्चों को तो बहुत फेवरेट होती है आइसक्रीम. तो आज हम आइसक्रीम की पिक्चर वेरी इजीली बनाएंगे. सो लिसन carefully and see carefully. Okay, first of all dear students, draw V. क्या बनाएंगे बेटा हम पहले V. V बनाने के बाद हम यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर की साइड ड्रॉ करेंगे. बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिए. सबसे पहले वी बनाइए. वी बनाने के बाद आपको ये वी ऊपर से जो इसका जो कैप है वो आपका यहाँ से बंद कर देना है. वी बनाने के बाद बेटा आपको यहाँ से गोल लेते हुए इधर की साइड आना है. ओके, इतना बनाने के बाद यहाँ पे आप एक पिक्चर करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक पिक्चर ऑफ ए हार्ट. ओके, फिर यहाँ पे आप एक थोड़ा स्माइली पास करेंगे. ओके, इतना करने के बाद बेटा आप यहाँ पे इसकी दो क्यूट सी आईज बना देंगे. इधर आप सर्कल सर्कल इधर से आप हाफ कट करते हुए अंदर की साइड इसको फिल कर देंगे. ओके, इसी तरह आप इधर भी इसको फिल कर देंगे. ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको इधर इनके जो ये वी बचा हुआ है इसमें आपको बॉक्स बनानी है. बॉक्स स्टार्टिंग करेंगे आप इस साइड से, दिस लाइक दिस. इस तरह से आप बनाते हुए नीचे की साइड जाएंगे. ओके, इसी तरह फिर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट इज फोर्थ. इस तरह से आप बॉक्स अपने तरफ से बॉक्स को ज़्यादा कम कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेटर लगे. इसके बाद आप जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं, आपको जो कलर बेटर लगे. पहले आपको मैंने आपको बताया हुआ है ड्राइंग करने से पहले पेंसिल से आपको बनाने के बाद इसके अंदर आपको ब्लैक कलर से आउटलाइन करनी है. ब्लैक कलर से आउटलाइन करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर आप पिंक डाल सकते हो, जो आपको कलर पसंद है. पिंक आइसक्रीम पसंद है आपको तो यहाँ पे पिंक, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको बेटर कलर लगे, जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो यहाँ पे कलर आप फिल कर सकते हो. आपकी क्यूट आइसक्रीम रेडी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए क्यूट आइसक्रीम इन योर नोटबुक, ड्राइंग नोटबुक. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शिवा मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास. सो टुडे वी विल रीड जीके. सो आवर टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है.
W H A T R I S is O U R R M A T I O N A L National Game G A M E Game. What is our national game? Answer ma'am. H O C K E Y. Hockey. What is our national game? Answer hockey. H O C K E Y. Hockey. So next question hai. Question number 5. What is our N A T I O N A L national T R double tree. Our national tree is called banyan. B A N Y A N banyan. So next question is question number 6. What is our national N A T I O N A L national A N T H E M anthem? What is our national anthem? तो बेटा हमारा national anthem है answer है J A N A Jana G A N A Gana M A N A Mana Jan Gana Mana. So next question है What is our national song? तो बेटा हमारा नेशनल सॉन्ग है आंसर बी ए एन डी वंदे एम ए टी ए आर ए एम वंदे मातरम. सो रिपीट करेंगे डब्ल्यू एच ए टी वार्ड आई एस इज ओ यू आर आवर N A T I O N A L national G A M E game. What is our national game? Answer आएगा H O C K E Y hockey. What our national game कौन सा बेटा? Hockey. H O C K E Y hockey. So next question है W H A T word I S is O U R our. What is our N A T I O N A L national T R double tree. So what is our national tree? Our national tree है answer आएगा B A N Y A N banyan. So next question है W H A T word I S is O U R our N A T I O N A L national N A T I O N A L national A N T H E L anthem. What is our national anthem? Answer आएगा बेटा J A N A Jana G A N A Gana M A N A Man. Jan Gana Man हमारा national anthem है. So next question है W H A T word I S is O U R our. What is our N A T I O N A L national. What is our national song? S O N G song. तो हमारा national song है बेटा आंसर आएगा V A N D E वंदे M A T A R A M मातरम. Our national song है वंदे मातरम. Thank you. Good morning students. I am Shivam ma'am, teacher of first class.
at MRP International School, Rajpura. So dear student, today we will read maths. So our topic is numbers name. So write a maths in your heading and U M B E R S numbers and A M E name 1 to 10. So N U M B E R S numbers and A M E name 1 to 10. So let's start. So put up one O N E 1. O N E 1. O N E 1. Next T W O 2. T W O 2. T W O 2. Next T H R W E 3. T H R W E 3. T H R W E 3. F O U R 4. F O U R 4. Next F I V E 5. Next F I V E 5. Next S I X 6. S I X 6. Next term S E V E N 7. S E V E N 7. E I G H T 8. E I G H T 8. N I N E 9. N I N E 9. And last T E N 10. T E N 10. T E N 10. So repeat karenge. 1 O N E 1. O N E 1. T W O 2. T W O 2. T H R W E 3. T H R W E 3. F O U R 4. F O U R 4. F I V E 5. F I V E 5. Next is S I F 6. S I F 6. Next 7. S E V E N 7. S E V E N 7. Next 8. E I G H T 8. E I G H T 8. Next N I N E 9. N I N E 9. So last T E N 10. T E N 10. Okay. So once time we repeat karenge. O N E 1. T W O 2. T H R W E 3. F O U R 4. F O U R 4. F I V E 5. F I V E 5. S I X 6. S I X 6. S E V E N 7. S E V E N 7. Next E I G H T 8. E I G H T 8. Next 9. N I N E 9. N I N E 9. Last term T E N 10. T E N 10. Okay. Thank you. Good morning, student. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MRP School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में हिंदी वर्णमाला के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे. Okay बेटा, first question है हमारा वर्ण किसे कहते हैं. ठीक है बेटा, तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली. उत्तर
मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली ध्वनि ध्वनि की सबसे छोटी सबसे स ब स ए सबसे छोटी इकाई इकाई ई क आ इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण में करेंगे हम, जैसे ए ई उ आदि। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर सेकंड है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, वर्णमाला किसे कहते कहते कहते। ठीक है बेटा, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को क्रमानुसार लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों को क्रमानुसार लिखना, ले ई खे ने अ लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, के है ले आ के कहलाता है। ओके, प्रश्न नंबर थर्ड, है बेटा, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड, वर्ण के कितने की टैन है ए कितने है ए भेद होते हैं। तो बेटा वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। उत्तर में लिखेंगे हम दो, कौन कौन से, पहला है स्वर। ठीक है बेटा, दूसरा व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है बेटा, देखिए वर्ण किसे कहते हैं, उत्तर मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ ई ऊ आदि। ओके बेटा, प्रश्न नंबर सेकंड, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को क्रमानुसार लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जैसे एनआर से और गैगैन तक क्रमों में लिखी हुई वर्णमाला
होती है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। ओके, नंबर थर्ड, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के बेटा दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ओके बेटा, धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस। फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। डिफरेंट parts of a plant। एक पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, दिस इज ए प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रूट्स। पहले हम एक जो एक प्लांट्स होता है उसके फाइव मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रूट्स, रूट्स में जड़े। सेकंड हो जाएगा स्टेम, STEM, स्टेम तना। थर्ड इज लीफ हो जाएंगे पत्ता। नेक्स्ट इज फ्रूट, फ्रूट्स एंड फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। ए प्लांट हैज फाइव मेन पार्ट्स। रूट्स, ROOTS, रूट्स, ये जो पौधा होता है, प्लांट्स होते हैं, उसकी रूट्स होती है। ROOTS, रूट्स, रूट्स हो जाएंगे बेटा जड़े। नेक्स्ट इज रूट से जब बाहर निकलता है तो तना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पौधा निकलता है, एक तना बनेगा, तना स्टेम, STEM, स्टेम। नेक्स्ट लीफ, LEAF, लीफ, लीफ हो जाएगा पत्ता। फ्रूट्स फल, FRUITS, फ्रूट्स। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। बेटा फ्लावर, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फूल होता है वो पौधे का बहुत ही खूबसूरत भाग होता है, जो क्या होता है, फूल। नेक्स्ट इज फ्रूट, सम फ्रूट चेंज इनटू फ्रूट्स, फ्रूट कंटेन सीड्स। जो फ्रूट्स होते हैं बेटा उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज। फ्रूट्स में क्या होते हैं, बीज। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लीफ, लीफ होता है बेटा, इट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, इट मेक्स फूड फ्रॉम फॉर द प्लांट। यह जो पौधा, ये प्लांट है, इस प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करता है। भोजन बनाने का काम क्या करता है, कौन करता है, लीफ। ये लीफ किचन ऑफ द प्लांट होता है, पौधे का किचन होता है। नेक्स्ट इज स्टेम, स्टेम में दिया हुआ बेटा, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो पौधे को भोजन और पानी पहुंचाने का कार्य करता है। और रूट्स हो गया, रूट्स हमारी, दे कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द सॉइल। जो मिट्टी होती है, मिट्टी को जो रूट्स होती है बेटा, वो जकड़ कर रखती है। क्या जकड़ कर रखती है, रूट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको कराए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधे के विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं उनके बारे में। ये हमारा एक प्लांट हो गया, पौधा हो गया, और ये इसके पार्ट्स हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, draw the picture of a plant and revise roots, stem, leaf and fruits and flowers. Okay dear students, thank you, have a nice day. Hello dear students, in the last video we did complete sentences 1 to 14 in English spoken. Today we will do sentences 15 to 19. So let's we start, dear students. Class is first. CW. Heading is English spoken. जो बेटा हम डेली यूज में जो वर्ड यूज सेंटेंस यूज करते हैं उन्हीं के बारे में आज हम आगे करेंगे। 14 तक हम कर चुके हैं, 15 से स्टार्ट करेंगे आज। हमारे जो सेंटेंस है वो टू वर्ड्स के ही करा रही हूँ अभी मैं।
So let's start. 15 is ध्यान से, 15 पे आएगा हमारा ध्यान से। जब बच्चे कभी जीने में जो स्टेयर्स होती है उसमें दौड़ते हुए चलते हैं तो हम कहते हैं बेटा धीरे चलो या बी केयरफुल, ध्यान से चलो। सो ध्यान से बी केयरफुल, बी ई बी सी ए आर ई केयर एफ यू एल फुल बी केयरफुल धै ये आने ध्यान से ए से ध्यान से बी केयरफुल बी ई बी सी ए आर ई एफ यू एल केयरफुल ध्यान से बी केयरफुल। नेक्स्ट इज इसे लो, इसे लो। जब आपकी मम्मा आपके हाथ में कुछ आपको पकड़ाती है या फिर कुछ भी कहती है बेटा इसे पकड़ो या इसे लो, तो हो जाएगा हमारा इसे लो, टेक इट, टेक इट, इसे लो, टेक इट। ई से ए इसे, ले ओ लो, इसे लो, टेक इट, टी ए के ई टेक आई टी इट, टेक इट। ओके नेक्स्ट इज हिलो मत, हिलो मत, डोंट मूव, हिलो मत, डोंट मूव, डी ओ एन कोमा टी डोंट एम ओ वी ई है ई ले ओ हिलो मैं ते मत, हिलो मत, डोंट मूव, डी ओ एन टी डोंट एम ओ वी ई मूव, डोंट मूव। नेक्स्ट इज फिर से कोशिश करो। जब आपको मम्मा मैथ्स में कुछ सम्स देती है या टीचर आपके कोई सम्स देते हैं आपको मैथ्स में, तो अगर आपका वो गलत हो जाता है तो हम जो पेरेंट्स या फिर टीचर आपसे यही कहेंगे फिर से कोशिश करो, ट्राई इट अगेन, फिर से कोशिश करो, बिकॉज कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, टी आर वाई ट्राई ए जी ए आई एन अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कभी नहीं, के भे ई कभी ने है ई नहीं, कभी नहीं, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेवर लाई। ओके तो कभी नहीं नेवर, कभी नहीं नेवर, एन ई वी ई आर नेवर, कभी नहीं नेवर। डियर स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, 15 पे हो जाएगा आपका ध्यान से, ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल, इसे लो टेक इट, इसे लो टेक इट, हिलो मत डोंट मूव, हिलो मत डोंट मूव, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, कभी नहीं नेवर, कभी नहीं नेवर। ओके डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन सेंटेंसेस 15 टू 19 इन योर नोटबुक एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड डू ऑलवेज इन कर्सिव राइटिंग। ओके बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चंस इन इंग्लिश ग्रामर। इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 6, सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 8। ओके क्लास इज फर्स्ट, सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर, हेडिंग इज बेसिक क्वेश्चन आंसर, बी ए एस आई सी बेसिक क्वेश्चन आंसर। ये स्टूडेंट्स 1 to 6 हम कर चुके हैं पहले की वीडियो में, आज क्वेश्चन नंबर 7 and 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज
what is pronoun? What is pronoun? W-H-A-T, what? I-S is P-R-O-N-O-U-N, pronoun. What is pronoun? Surnaam kya hai? What is pronoun? Surnaam kya hai? Words. Words, W-O-R-D-S, words used. Word used in place of a noun, in place of a noun are called pronoun. W-O-R-D-S, words, U-S-E-D, used, I-N-N, P-L-A-C-E, place, O-F of A, N-O-U-N, noun, A-R-E-R, C-A-L-L-E-D, called, P-R-O-N-O-U-N, pronoun. Words used in place of a noun are called pronoun. संज्ञा, शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. What is pronoun? Pronoun होगा सर्वनाम. सर्वनाम क्या है? Words used in place of a noun are called pronoun. संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन आर देयर? H O W, how? M A N Y, many. K I N D S, kinds. O F O A P R O N O U N, pronoun. A R E R T H E R E, there. How many kinds of a pronoun are there? जो सर्वनाम होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं बेटा, जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स के. इतने 6, आंसर इज 6, 6. प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम होते हैं, वो कितने होते हैं? 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, व्हाट इज प्रोनाउन? क्वेश्चन 7 इज व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन बोलते हैं बेटा सर्वनाम को. सर्वनाम क्या है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल के लिए राम इज ए बॉय. अभी राम इज ए बॉय, उसमें बच्चे का नाम लिया गया है, राम इज ए बॉय. अभी अगर उसको हमें बोलना है ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, हम दोबारा उसी लाइन में ये यूज कर सकते कि राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय. अगर हमको लाइन में दे दिया जाए राम इज ए बॉय और उसी लाइन में हमने फिर से बोला राम इज ए गुड बॉय, तो दोबारा राम यूज हो रहा है, तो दोबारा में यूज राम की जगह हमें ही यूज करेंगे. वहां पे वो हमारा सरनाम था, सरनाम में हमने ही का यूज किया है. इसी तरह हमने जो आपको डेफिनेशन बताई है वो यही है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सरनाम कहलाते हैं. ही सी इट, ये आपके वर्ड दे यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, जो सर्वनाम कहलाते हैं. 8th क्वेश्चन इज हमारा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन आर देयर? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन आर देयर? जो प्रोनाउंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? सर्वनाम होते हैं हमारे बेटा 6, S-I-X, 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, write down question number 7 and 8 in your notebook and writing should be neat and clean and do always in cursive writing. Okay, beta, thank you. Have a nice day.